ये मणिपुर महिलाओं का बड़ा सम्मान करता है, इसलिए हमारी अध्यक्षा भी महिला है, शारदा देवी जी को बनाया। यहां के परंपरा इमा मार्केट, एक ही इमा मार्केट था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 150 करोड़ रुपया खर्च कर 10 नए इमा मार्केट 10 जिलों में बनाने का काम किया है। 2017 के पहले मणिपुर में एक भी महिला पुलिस स्टेशन नहीं था, आज मणिपुर के सभी जिलों में महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। हमने जरीबाम तुपोल इम्फाल रेलवे लाइन 111 किलोमीटर 12,000 करोड़ खर्चे से मोदी जी ने मणिपुर को भारतीय रेलवे के नक्शे पर लाने का काम कर दिया है। हर रोज 5-6 घंटे के बाद मणिपुर में बिजली रानी गुम हो जाती थी। आती थी क्या बिजली? आती थी क्या? हमने मणिपुर का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर दिया है। हर गांव में 24 आवर बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 75,000 छात्रों को, स्टूडेंट्स को सोलर से चलने वाले एलईडी स्टडी लैंप नरेंद्र मोदी सरकार ने भेजे हैं। मित्रों, 95% घरों में ईबोवी सिंह सरकार 15 साल चली। ईबोवी सिंह जी मेरा भाषण सुनते होंगे, मैं गलत बोलता हूं तो कल जवाब भी दे दे। आपकी 15 साल की सरकार में खाली 5% घरों में नल से पानी पहुंचता था, आज 95% घरों में नल से पानी पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया है। हमने मणिपुर के अंदर काफी कुछ किया है, एक और 5 साल दे दो, मैं आपको बताने आया हूं मणिपुर के सभी उग्रवादी जूथों के साथ बात कर हमेशा के लिए मणिपुर में शांति लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक भी मणिपुर के युवा पर ना गोली चलेगी ना जेल में जाएगा, वो मेन स्ट्रीम में आकर मणिपुर और देश के विकास के लिए काम करेंगे। हम मणिपुर राज्य की सीमा को अक्षुण भी रखेंगे और शांति की स्थापना भी करेंगे।